हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस रेसिपी फॉर बेबीज, और जो भी 8 महीने से ऊपर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी, बहुत इजी और क्विकली बन जाती है। बट इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपके बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम है, या फिर उसका वेट नहीं बढ़ रहा है, या फिर आप उसके ओवरऑल ग्रोथ के लिए कॉन्शियस हैं, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल चीला विद पनीर स्टफिंग। उसके लिए मैंने ये हरी वाली दाल, यानी कि जो छिलके वाली मूंग दाल होती है वो है, उसको मैंने रात भर अच्छे से सोक कर लिया है। सोक करना बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स तो आप सोक कर ही लीजिए ताकि दाल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और उसको डाइजेस्ट करना ईजी रहे। उसमें मैंने थोड़ा सा ये अदरक, आप देख रहे हैं, ये मैंने घिस लिया है। आप इसको पीसेंगे तो आप अदरक के टुकड़े डाल करके भी पीस सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर अदरक जो है वो घिस लिया है। और अब इसको, इसका जो छिलका है ये मैंने फेंका नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर से फेंक दिया था, बट 50% छिलका तो मैंने इसमें रखा ही है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई इन फाइबर्स होता है तो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने इस तरीके से फ़ाइन पेस्ट कर लिया है क्योंकि इसके अंदर छिलका भी यूज़ किया है, तो एकदम फाइन आपको चटनी जैसा स्मूथ नहीं लगेगा, थोड़ा सा हाथ में ग्रेन्स जैसा आएगा, बट दैट इज़ फाइन। और इस तरीके से पेस्ट बना लेंगे ताकि हमको उसको स्प्रेड करना ईजी रहे। तो जो मूँग दाल है ये वाली, ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं, आयरन। अगर आपके बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है तो आयरन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपके बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। उसके अलावा इसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड B6, विटामिन बी जो होता है वो होता है, और प्रोटीन और फाइबर तो बहुत ज़्यादा होता है, ये सबको ही पता है। इसके अलावा आपके बच्चे की बोन, हेयर, स्किन, नेल्स, इन सब की हेल्थ के लिए भी मूंग दाल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो इसीलिए मूंग दाल अपने बच्चों की डाइट में एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार ज़रूर इंक्लूड कीजिए किसी ना किसी फॉर्म में। तो अब मैं बनाऊँगी पनीर स्टफिंग। उसके लिए पैन में ले लिया थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, आप घी में भी बना सकते हो, बट मस्टर्ड ऑयल ले रही हूँ। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों की हेल्थ के लिए। और ध्यान रखिए कि मस्टर्ड ऑयल अच्छे से स्मोक करना, यानी कि तेज़ गर्म करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी स्मेल पंजन जो है वो चली जाए। और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा सा हींग। तेल अच्छे से गर्म था आपने देखा, और फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा, जो जीरा है वो स्प्लटर होगा। देन फिर मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मैंने हरी मिर्च भी डाल दी है क्योंकि मेरा बेबी अभी 3+ ईयर्स का है और ये हम सब लोग खाएंगे, तो इसीलिए मैंने इसमें मिर्ची डाल दी है। बट आरफ को जब मैं खिलाऊंगी तो मिर्ची हटा दूंगी, और इसमें मैं कोई लाल मिर्ची नहीं ऐड करने वाली, इसलिए थोड़ी सी ग्रीन चिली, एक ग्रीन चिली जिसको मैंने छोटे छोटे काट के इसमें डाल दिया है। सो इसी तरीके से पेरेंटिंग एंड मदरहुड रिलेटेड टिप्स, ट्रिक्स, रेसिपीज सब कुछ मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर डेली बेसिस पर शेयर करती रहती हूँ, तो वहाँ पर भी लाइव अपडेट्स के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसके जो कच्चापन है, रॉनेस है वो निकल जाए, तब तक इसको भून लेना है। और यहाँ पर अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी ताकि फ्लेवर्स भी आ जाए, और इसमें बहुत ज़्यादा मसाले कुछ नहीं जाएंगे, धनिया, हल्दी ये सब कुछ ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, बट मैं एकदम प्लेन रखूँगी ताकि जो चीले का टेस्ट है वो एनहांस होकर के आए। उसके बाद मैंने यहाँ पर पनीर ऐड कर दिया। तो प्याज जब अच्छे से भून जाए उसके बाद ही पनीर ऐड कीजिए, क्योंकि पनीर डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, नहीं तो पनीर जो है वो थोड़ा च्यूवी सा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगता है वो खाने में। तो यहाँ पर पनीर ऐड कर दिया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया है, और ग्रीन चिली ऐड की थी तो लाल मिर्ची ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे इस स्टेज पे। आप पनीर डालने से पहले आप बहुत सारी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं जो आप चाहें, लीफी वेजिटेबल्स है, कैरेट है, टमाटो है, या कुछ भी इस तरीके का आप जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, बट आज के लिए इसे सिंपल ही रख रही हूँ। उसके बाद एंड में इसके अंदर थोड़ा सा ये आमचूर पाउडर है, तो ये आमचूर पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून के करीब। ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो गैस बंद करके आप इसे दूसरे कंटेनर में निकाल लीजिए और उसके बाद इसमें लेमन डाल लीजिए, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है, थोड़ा सा टैंगी हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड उसके बाद इसके अंदर मैं ये जो ग्रीन कोरिएंडर यानी कि धनिया पत्ती मैंने चॉप करके रखी है वो डाल दूँगी, एंड दैट्स इट। उसके बाद हमारा ये जो पनीर स्टफिंग है वो रेडी है। तो ये मतलब 2-3-5 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी से ये पनीर स्टफिंग जो है वो रेडी हो जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट है। पनीर कितना हेल्दी होता है ये सभी को पता है, इसके अंदर हाई प्रोटीन है, कैल्शियम है, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन इस तरीके से अपने बच्चों की डाइट में इस तरीके से मतलब फैंसी तरीके से ऐड किया जा सकता है,
बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं लगती है। आप चाहे तो इस स्टफिंग को जो चीले का बैटर है उसके अंदर डाल करके भी बना सकते हैं, आप चाहे तो स्टफ़ करके भी बना सकते हैं, और इस स्टफिंग को आप बना करके रख सकते हैं, तो इसमें आप पराठे वगैरह बच्चों को, सैंडविच वगैरह कुछ भी बना करके दे सकते हैं। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ स्टफिंग है ये। बस ध्यान रखें कि पनीर डालने के बाद इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो जो पनीर है वो बहुत ही च्यूई सा, बहुत ही रबड़ जैसा हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान मैं अगेन आपसे बोल रही हूँ कि ध्यान रखिएगा, डालने के तुरंत बाद इसे मिक्स करके गैस ऑफ कर दीजिए। तो अब अपने बैटर को, जो हमारा मूंग दाल का बैटर है, उसको सीजन कर लेते हैं और उसके बाद फटाफट से चीला बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर और हल्दी डाल रही हूँ और नमक डाल रही हूँ, तो इतना सफिशिएंट रहता है। इसके अलावा आप इसके अंदर जीरा पाउडर डाल सकते हैं, साबुत जीरा भी डाल सकते हैं, और यहाँ पर मैंने हींग डाली है। हींग डालना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा, हींग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डाइजेशन के लिए, तो दाल के अंदर हींग ज़रूर से डालिए। और उसके बाद मैं बता रही थी कि आप इसके अंदर अजवाइन भी ऐड कर सकते हैं, जीरा भी ऐड कर सकते हैं, जीरा पाउडर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप उस तरीके से इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैंने बहुत ही बेसिक इसको रखा है क्योंकि मैं इसे पनीर की स्टफिंग के साथ बना रही हूँ। तो ये जो सेम पैन था जिसके अंदर मैंने पनीर बनाया था, पनीर की स्टफिंग, उसी पैन को मैंने यूज़ कर लिया है। अलग से मैंने इसको क्लीन भी नहीं किया है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो पनीर में जो मैंने नमक वगैरह डाला था वो भी है, तो आराम से ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस इसके अंदर ये मैंने एक स्पून जो बड़ा वाला है उससे मैंने इस मिक्सचर को डाल दिया है, थोड़ा सा बड़ा इसको, मेरा पैन जो है वो छोटा है तो मैं पूरे पैन में इसको डाल दूँगी अच्छे से। और मैंने ऑयल नहीं डाला है, आपने देखा है ये पैन बहुत ही अच्छा है, इसका डिटेल रिव्यू मैंने अपने सेकंड चैनल पे डाला हुआ है, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा, अब मैंने इसमें घी डाला है, घी से बना रही हूँ मैं, तो आप इसे घी, बटर, ऑयल किसी के भी साथ बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर घी से बनाया है और इसको मैं ढक दूँगी। ऊपर मैंने हल्का सा ही घी डाला है, और मतलब बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं डेफिनेटली। तो ये आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर से हर तरफ से ये पूरा पक गया है। इसको दूसरी साइड पकाने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती है, बट मुझे एक साइड पका करके पता नहीं मतलब ऐसा लगता है कि कच्चा ना रह गया हो, तो इसीलिए मैं इसे पलट भी लूँगी, बट आप एक तरफ से भी इसे पका करके खा सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा वैसे दूसरी साइड से भी कुक कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें जो पनीर की स्टफिंग है वो डाल लूँगी। तो मूंग दाल की सबसे अच्छी खास बात ये है कि बहुत लाइट वेट रहता है, तो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है, हाई फाइबरस रहता है, एंड साथ में इसके अंदर कोई लो कैलरी, मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है बट कैलरीज जो होती हैं वो कम होती हैं, जिससे बच्चे पूरे दिन एक्टिव बने रहते हैं, उनके अंदर एनर्जी बनी रहती है और बहुत फिलिंग होता है ये। तो मतलब ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा सा कॉम्पैक्ट सा रेसिपी है जिसमें आपको बहुत सारे गुड़ मिल रहे हैं, और हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया तो इसमें भरपूर कैल्शियम भी आपको मिल जाएगा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था ये, आरब को बहुत पसंद आया था। और हम लोग मतलब आप ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए इसको बनाना है, आप ये अपने लिए भी बना सकते हैं, तो सभी के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहता है। और ये चीला आप कभी भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में दे सकते हो, लंच में दे सकते हो, डिनर में दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो, बस क्वांटिटी आपको एडजस्ट करनी है कि कब कितना देना है। तो ये एक चीला जो है ये बहुत ज़्यादा था अरब के लिए, हमने उसे ब्रेकफास्ट में दिया था, तो ये एक चीला वो पूरा नहीं खा पाया था, हाफ़ के करीब उसने खाया था, आपसे थोड़ा ज़्यादा होगा, बट हाँ 60% जितना उसने खा पाया था, क्योंकि बहुत हैवी भी रहता है खाने में, मतलब फिलिंग रहता है, हैवी से मेरा मतलब फिलिंग रहता है ये, तो काफ़ी अच्छा रहता है। एक चीला मेरे ख्याल से वो लंच में खा लेगा, तो उस हिसाब से आप अपनी बच्ची की एज के हिसाब से और एपेटाइट के हिसाब से इसे अलग अलग टाइम पर दे सकते हैं। और मेरे हिसाब से आप इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिए, आपके बच्चे की जो ग्रोथ है और उसका जो टेस्ट है खाने के प्रति, उसका इंटरेस्ट है, वो बहुत अच्छा बना रहेगा ऐसी डिशेज़ अगर आप उसे खिलाते रहेंगे। तो इस चीले को आप सर्व कर सकते हैं, बच्चों को केचप के साथ दे सकते हैं, नहीं तो दही है, लस्सी है, श्रीखंड है, किसी के भी साथ में आप दे सकते हो। इवन अगर आप लंच या डिनर में बच्चों को दे रहे हो तो आप जो करी वाली सब्जियां होती हैं लाइक आलू टमाटर की करी या ऐसा कुछ, तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। बट मैं यहाँ पर क्योंकि ब्रेकफास्ट में दे रही थी, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाई थी, मैं अरब को ग्रीन चटनी देती हूँ और वो बहुत चॉइस के साथ में खाता है ग्रीन चटनी। तो ग्रीन चटनी बच्चों को हमेशा मतलब आप इंक्लूड कीजिए, थोड़ा सा उसको बहुत ज़्यादा तीखा मत बनाइए, बट टमाटर और हरे धनिए के साथ में, लेमन के साथ में मैंने ये चटनी बनाई थी, अरब को बहुत पसंद भी है और बहुत माइल्ड है, बिल्कुल भी तीखी नहीं थी। लेकिन क्योंकि ग्रीन लीफ इसमें यूज़ हुई है, इन सब के अपने बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, तो इसीलिए आप सब चीज़ें बच्चों की डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। तो इस तरीके से मैंने अरब को दिया था, उसको बहुत पसंद आया था,
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ऐसे ही और वीडियोस, रेसिपी वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ में शेयर भी कीजिए। मैंने इसके पहले भी एक रेसिपी शेयर की है, बच्चों के वेट गेन रेसिपी जो होती है वो शेयर की थी, तो अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो आई बटन में लिंक दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड